मंडी के अंतरराज्यीय बस अड्डे पर बसों की पार्किंग बंद कर दी गई है। अब तय समय से 10 मिनट पहले ही बसों को अड्डे में प्रवेश मिलेगा। इससे पहले कोई भी बस अड्डे में प्रवेश नहीं कर सकेगी। बता दें कि इससे पहले लोकल रूट पर चलने वाली बसें तय समय से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच जाती थी और घंटों तक यहां रुकी रहती थी। इस कारण बस अड्डे पर जाम लगा रहता था और यहां आने वाले यात्रियों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। वहीं हादसों का भी खतरा बना रहता था। HRTC मंडी डिपो के RM गोपाल शर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि बस अड्डे को सुविधाजनक बनाया जा सके। हमने प्रयास किया है कि मंडी का जो बस स्टैंड है उसमें जितनी भी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं चलती हैं वो अपने प्रस्थान समय से मात्र 10 मिनट पहले वहां प्रवेश करें और अपना काउंटर लगाएं, जिससे वहां अनावश्यक तौर पे कोई भीड़ भड़क्का ना हो, जिससे आशंका बनी रहती है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई पैदल चलने वाला यात्री नीचे आ जाए। तो ये प्रयास है कि सवारियों को पता चलता है कि हमारी गाड़ी किस काउंटर पर लगी है और गाड़ियां कम होंगी तो जो पैदल चलने वाले उनको स्पेस मिल जाता है और एक व्यवस्था बनाने में हमको सुविधा रहती है। तो हमारा प्रयास है इसको हम जारी रखेंगे ताकि आम जनता को सुविधा रहे और हमको भी कंट्रोल करने में सुविधा रहे। बता दें कि जहां से अड्डे का एंट्री पॉइंट है वहां पर HRTC ने अपने 2 कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। यहां रस्सी लगाकर एंट्री बंद कर दी है। बसों की समय सारिणी यहां मौजूद कर्मचारियों के पास है, इसलिए सिर्फ उन्हीं बसों को रस्सी हटाकर एंट्री दी जा रही है जिन बसों का यहां से प्रस्थान का समय होता है। चालक परिचालक संगठन के चेयरमैन जोगिंदर गुलेरिया ने इसके लिए RM मंडी, अड्डा प्रबंधन और पुलिस विभाग का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि लोकल रूट पर चलने वाली बसों के चालक तय समय से पहले यहां पहुंच जाते थे, जिस कारण अड्डे पर काफी जाम लगा रहता था, जबकि अब वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं। इससे हादसों पर भी अंकुश लगने की पूरी उम्मीद है। यहां से हमारी गाड़ी ओवरलोडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ओवरलोडिंग सवारी की होड़ में एक गाड़ी रहेगी, अब बराबर सवारियां सब में चल रही है, ना ओवरलोडिंग का चक्कर है, ना कोई दुर्घटना की आशंका है। अगर कोई चालक बाहर दौड़ के आएगा तो उसको यहाँ रोक दिया जाएगा, वो इसलिए पीछे दौड़ेगा नहीं, आराम से चलेगा। आराम से चलने के बाद जब वो यहाँ आएगा तो उसको उसके काउंटर की तरफ खुला अड्डा मिलेगा, ना किसी यात्री को परेशानी है, ना चालक को है, ना परिचालक को है। बाकी हम धन्यवाद करते हैं सभी का, प्रशासन का, पुलिस का, माननीय RM साहब, DM साहब का, जिन्होंने अपने 2-2 कर्मचारी, इतनी कर्मचारियों की शॉर्टेज होते हुए इस व्यवस्था को करने के लिए नियुक्त किए। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। प्राइड इंस्टीट्यूट हमीरपुर, यहां से आप TGT, TET, सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMS, बैंक PO, पुलिस कांस्टेबल और सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। प्राइड इंस्टीट्यूट में मात्र 75 घंटों में इंग्लिश सिखाई जाती है। सभी क्लासेस के लिए ट्यूशन का भी है प्रावधान। तो आज ही पधारें प्राइड इंस्टीट्यूट, देवपाल चौक ऑपोजिट यूको बैंक, हमीरपुर। पोलस्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।